मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राजधानी भोपाल में ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता पैदल मार्च करते हुए व्यापम चौराहे पहुंचे। भोपाल के व्यापम चौराहे से पैदल मार्च करते हुए ईडी दफ्तर की ओर जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर ही रोक लिया। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान वाटर कैनन चलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जिसने नारा दिया था न खाऊंगा न खाने दूंगा, हालत क्या बनी कि 20% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति चली गई। 10 साल में जो गरीब थे उनकी संख्या डबल हो गई और नरेंद्र मोदी के हम दो हमारे दो थे उनके पास देश की संपत्ति के 60% हिस्सा पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी ने देश को कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाने वालों को पद दे दी, काला धन आएगा और 15-15 लाख जाएंगे, फेक करी फेक कंपनियों का नाश कर दू, कैसी कैसी बातें कही, खाने वालों को पदों पे बिठाया। तो निर्मला बुच जिनकी कंपनी को 2,65,000 डॉलर से 5 लाख डॉलर जिनकी कंपनी की वैल्यू हो गई, ये क्या मैसेज है? हम दो हमारे दो, अडानी और अंबानी की इनकम लाखों गुना बढ़ गई और गरीब आदमी देश का और गरीब हो गया। 80% संपत्ति देश के गरीबों की 2 लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, 20 लोगों के पास है, कैसा देश बनाया आपने? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था ईमानदारी का, न मेरे आगे कोई है न मेरे पीछे कोई है, क्या मैसेज है ये? आगे पीछे अडानी और अंबानी है, ये मैसेज है। और अडानी की और अंबानी की दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए और 80% देश के आम आदमी गरीब हो गए। हाँ, ये कांग्रेस का प्रदर्शन था जिसकी अनुमति से व्यापन से लेके बोर्ड ऑफिस तक इसकी अनुमति दी गई थी, और चूंकि ये उससे आगे बढ़ रहे थे जिससे इनको अनाउंस किया गया कि इससे आगे नहीं बढ़े, तब बैरिकेड पे चढ़ के ये आगे बढ़ रहे थे, इनको समझाइश दी गई, जब नहीं माने तो वाटर कैनन का उपयोग किया गया और इसके बाद ये इसमें तितर बितर हो गए, उनका ज्ञापन संबंधित SDM द्वारा लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।